लगभग मेरे ख्याल से 2002-2003 के बाद ही सैनिकों को भी जो है मोबाइल का एक्सेस मिला है। मतलब 20 साल पकड़िए, उससे पहले बिल्कुल ना मोबाइल था ना कुछ था। तो काम चलता था तो केवल एक ही चीज से, क्या था वो? यस, पत्र और चिट्ठी। तो चिट्ठी और पत्र की बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है सैनिकों के लिए। जो हमारे सारे हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, नेवी वाले तो समुद्र में घूमते रहते हैं और आर्मी वाले तो अगेन बॉर्डर्स पे और सियाचिन और ऐसे रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन होते हैं, उनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। और जब चिट्ठी आती है और उसके बाद उस चिट्ठी का जवाब भी जो है, सारे इमोशंस को चिट्ठी के माध्यम से ही आदान प्रदान देवियों और सज्जनों किया जाता था। तो आज ऐसे ही चिट्ठी की अहमियत के ऊपर दो गाने आज के हमारे शो में हैं। सो बहुत ही मजा आएगा वो गाना सुनकर। आप विजुअलाइज कीजिए, रियलाइज कीजिए कि क्या हालत थी 20 साल पहले, जब कोई मोबाइल नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, और कभी कोई अनहोनी हो जाए तो सैनिक को कैसे पता चलता था? टेलीग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम आप करोगे, वो पता नहीं कितने दिनों में पहुंचेगा और उसके बाद वो खबर वहां पर पहुंचेगी। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही तरक्की कर ली है, लेकिन वो जमाने का मजा कुछ और ही था कि जब हम किसी की चिट्ठी का इंतजार करते हैं। तो इस चिट्ठी वाली फीलिंग्स और भावनाओं को अगले गीत में व्यक्त करने आ रहे हैं अली शेख जी और सविता जी। एक अपने टाइम का बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट और हिट गीत है जिसके बोल है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। लिया गया है फिल्म नाम से और संजय दत्त साहब इसमें जो थे। तो अली शेख जी और सविता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। जब आई दिवाली, दीप नहीं
तेरे बिन जब आई होली पिचकारी से छूटी गोली पीपल सोना पनघट सोना घर शमशान का बना नमूना फसल कटिया चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो डोली में जब बैठी बहना रसिता देख रहे थे लेना मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का हाल बुरा है तेरी बीवी करती है सेवा सूरत से लगती है बेवा तूने पैसा बहुत कमाया इस पैसे ने देश छुड़ाया देश पराया छोड़ के आ जा पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा देश पराया छोड़ के आ जा आजा उम्र बहुत है छोटी अपने घर में भी है रोटी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया दोनों ने इस गीत को निभाया है और जितने बेहतरीन थे।